हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पर्टिकुलर एरिया के लिए ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ ट्रक्स या फिर कितने नंबर ऑफ ट्रॉली आपको लगने वाली है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एस्टिमेशन, अगर आप क्वांटिटी सर्वे में आपका करियर बनाना चाहते हो तो। राइट, देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे वेबसाइट के ऊपर विजिट करना भी मत भूलिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिस्ट करके मैंने रखी है। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, उसके रेस्पेक्ट में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्लॉट है, ठीक है। एक प्लॉट हम अज्यूम करते हैं जिसका डायमेंशन मान के चलते 25 फिट बाय 50 फीट है, ओके? ये एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या एक प्लॉट एरिया है, ऐसे हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है, इसकी डेप्थ, कांस्टेंट डेप्थ जो है, वो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है अप्रोक्सीमेटली, ओके? ये जो कांस्टेंट डेप्थ है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना 4 फीट कह सकते हैं, ठीक है, कि 4 फीट उसकी डेप्थ है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा, जब हम किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पे आपको मुरुम भरना होता है, एक फाउंडेशन फिल करना होता है, तो ये उसी टाइप का एक पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कंसिडर करके चले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई, दूसरा कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लॉट। सबसे पहले आपको प्लॉट का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके, वॉल्यूम ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट कैसे निकालते हैं, जो वॉल्यूम की लेंथ है, उसकी विड्थ है और उसकी डेप्थ या हम हाइट कह सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 50 फीट, विड्थ हमारे पास कितनी है, 25 फीट, और हाइट हमारे पास कितनी है, 4 फीट। तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम 5000 क्यूबिक फीट। मतलब आपके पास जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, 5000 क्यूबिक फीट। सेकेंड नंबर हम क्या करेंगे, अभी हम सेकेंड नंबर निकालेंगे कि कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम आपको कितना है। ऐसा नहीं है कि 5000 क्यूबिक फीट है, ठीक है, तो ये इस पूरे एरिया में आपको सिर्फ 5000 ही मतलब मुरुम या 5000 क्यूबिक फीट ही इतना डाटा डालना है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसको कंप्रेस भी करना है, ठीक है। तो ये जो 4 फीट का जो हमारी डेप्थ है, इसमें लगने के लिए आपको थोड़ा और डाटा लग सकता है, तो हम इस डाटा को 30% ज्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा कॉम्पैक्टेड, ओके, कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम। तो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ प्लॉट है उसको 30% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1.30 मतलब क्या कि 30% 5000 प्लस 5000 का 30%, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा आपको 6500 क्यूबिक फिट। मतलब हमको कितना मटेरियल चाहिए, 6500 चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या, अभी हमें क्या निकालनी है, अभी हमें निकालने कि हमें कितने नंबर ऑफ ट्रक लगेंगे। तो फोर्थ नंबर हम, थर्ड नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे, ओके, नॉट अ फोर्थ, ओके, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड, ओके। वो कैसे निकालेंगे, देखो, जो भी आपका कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है, ओके, जो भी आपका कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रक। तो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम कितना है दोस्तों, हमारे पास 6500, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रक, एक एक ट्रक का वॉल्यूम कितना होता है, 5000 क्यूबिक फीट, ओके, 500 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 13 नंबर। सेकंड नंबर है कि अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ट्रॉली, ओके, तो नंबर ऑफ ट्रॉली अगर आपको दिखना, क्योंकि किसी किसी का बजट नहीं होता है, तो आपको ट्रॉली में डाटा आपको लेने लेकर आना है, मटेरियल आपको ट्रॉली में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली, वॉल्यूम ऑफ वन ट्रॉली होता है कितना, 70 क्यूबिक फीट। तो ये कितना हो जाएगा, 93 नंबर। मतलब अगर आपको इस पर्टिकुलर प्लॉट में
ओके, अगर आपको इस पर्टिकुलर प्लॉट में फिलिंग करनी है जिसकी डेप्थ 4 फीट है, ओके, तो आपको 13 नंबर ऑफ दी ट्रक लगेंगे और आपको 93 नंबर क्या लगेंगे, ट्रॉलीज लगेंगे। अगर आप ट्रॉलीज में लाना चाहते हो तो आपको 93 ट्रॉली लगेगी या फिर आपको 13 नंबर ट्रक लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।